लांचियानो इटली में एक छोटा मध्यकालीन शहर है जो कि एड्रियाटिक सागर के तट से घिरा हुआ है। लांचियानो नाम का अर्थ है द लांस। परंपरा अनुसार सिपाही लॉन्जिनुस, जिसने प्रभु येसु के बगल में भाला मारा जिससे प्रभु के शरीर से रक्त और जल बह निकला, इस शहर से था। इस शहर में लगभग 700 ईस्वी में एक बेसेलियन पुरोहित को सेंट लिगोंचियन के छोटे चर्च में नियुक्त किया गया था। उस पुरोहित को पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति पर संदेह था। मिस्सा बलिदान के दौरान जब उन्होंने अभिषेक प्रार्थना के शब्द कहे, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, तब उन्होंने रोटी और दाखरस को जीवंत मांस और लहू में बदलते देखा। दाखरस जो जीवंत लहू में बदल गया था, वह 5 ग्लोब्यूल्स में जमा हुआ था जो क्रूस पर मसीह द्वारा झेले गए घावों की संख्या से मेल खाता है। 2 घाव हाथों पर और 2 घाव पैरों पर और लॉन्जिनुस के भाले से घाव हृदय में। रक्त 5 अखरोट के आकार के ग्लोब्यूल्स में जम गया, अनियमित और आकार में भिन्न, जबकि मांस मिस्सा बलिदान में उपयोग किए जाने वाले बड़ी रोटी के समान आयाम में है और हल्के भूरे रंग में दिखाई देता है। अवशेषों पर 5 अलग अलग वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। आधुनिक काल में अंतिम परीक्षण सन 1970-71 में प्रोफेसर इन एनाटॉमी एंड पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजी और केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल माइक्रोस्कोपी प्रोफेसर लिनोली और सीएना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बर्तेली द्वारा किया गया था। यहाँ उनके कुछ निष्कर्ष हैं। मांस को मायोकार्डियम यानी हृदय की दीवार के रूप में पाया, जो 1250 साल से अधिक पुराना माना गया है, और यह मांस को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी पदार्थ से बिल्कुल मुक्त पाया गया, और यह भी पाया गया कि मांस का टुकड़ा दिल से लिया गया है। रक्त ग्लोब्यूल्स मानव रक्त के हैं, एबी पॉजिटिव टाइप का है। यही ब्लड ग्रुप ट्यूरिन के कफन पर पाया गया था। रक्त ग्लोब्यूल्स का वजन करते समय एक विरोधाभास भी सामने आया। खून के 5 ग्लोब्यूल्स भले ही अलग अलग आकार के हों, उनके वजन को 2 के साथ 3 तोले जाने पर या अन्य किसी भी प्रकार तोले जाने पर भी वे एकदम समान वजन के मिले। पवित्र लहू में वही प्रोटीन पाया गया जो केवल ताजे रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन आमतौर पर व्यक्ति की मृत्यु के 20 मिनट से आधे घंटे के भीतर नष्ट हो जाते हैं। वह पवित्र लहू में 1250 साल बाद भी पाया गया। द मिरेकल ऑफ लांचियानो को आधिकारिक तौर पर कैथोलिक चर्च द्वारा यूकरिस्टिक मिरेकल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कैथोलिक चर्च का पहला और सबसे बड़ा यूकरिस्टिक चमत्कार माना गया है। पवित्र अवशेष आज भी लांचियानो में सेंट फ्रांसिस में सुरक्षित है।